मोदी की नई कैबिनेट में सूबे से दो चेहरों को जगह मिली है। जहां बीजेपी इसे झारखंड पर पीएम का विशेष ध्यान बता रही है, वहीं जेएमएम कांग्रेस का कहना है कि दोनों झारखंड की आवाज बुलंद करें और यहां का बकाया केंद्र से वापस दिलाएं। सुनिए क्या कुछ कहा गया। राष्ट्रवादी जो नीतियां हैं वो आगे बढ़ेंगी, गरीब कल्याण पर विशेष फोकस रहेगा और पहले 125 दिन तो उन्होंने युवाओं को न्यौछावर करने का भी संकल्प लिया था। और हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से दो चेहरों को मौका दिया, माननीय अन्नपूर्णा देवी और माननीय संजय सेठ जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य पर हमेशा फोकस रहता है, ये आगे भी जारी रहेगा और इसका सुखद परिणाम हमें देखने को मिलेगा। संजय सेठ जी पिछली बार भी सांसद थे, लेकिन राज्य के हित में कितनी आवाज उठा पाते थे सभी लोगों ने देखा है। साथ ही यहाँ जो माटी पुत्र जो कमिटेड लोग हैं उनकी अनदेखी की गई है। मैं उदाहरण दे सकता हूं, हम लोगों ने सोचा था कि इस बार यहाँ के लोगों को तरजीह मिलेगी, परंतु विद्युत वरण महतो सरीखे तीन टर्म के और एक योग्य क्षमतावान व्यक्ति को, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। हरियाणा में आप देखेंगे छोटा स्टेट है झारखंड से, वहां मात्र 5 सीट जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, 3 मंत्री का कोटा मिला है उनको, लेकिन झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार, झारखंड इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं नहीं है। कम से कम एक एमपी को और कैबिनेट में जगह मिलना चाहिए, क्योंकि झारखंड में हर संसाधन रहने के बावजूद हमारा यह प्रदेश गरीब प्रदेश है और स्वाभाविक तौर पे उसके बावजूद हम दोनों मंत्रियों को बधाई देना चाहते हैं और हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि आप मंत्री परिषद की कैबिनेट की बैठक में बैठेंगे एक मंत्री अन्नपूर्णा जी, तो इस राज्य का जो जीएसटी का पैसा है हमारा उसको दिलवाने में मदद करें। जो सरना धर्म कोड की बात है वो सरना धर्म कोड देने में मदद करें। हम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।